5 साल बच्ची से ज्यादती का मुलजिम हाईकोर्ट से फरार हो गया। मुलजिम दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर इहाता अदालत से फरार हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर से। जी उमर बताइएगा, मुलजिम ने आओ देखा ना ताओ बस भागने की। जी इस मुलजिम पर 5 साल बच्ची से ज्यादती का इल्जाम है और लाहौर हाईकोर्ट में इसने कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर की थी जिसे अदालत ने आज खारिज कर दिया। दरख्वास्त खारिज होते ही मुलजिम ने अहाता अदालत से दौड़ लगा दी जबकि पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। ताहम बच्ची की वालदा जो है वो अहाता अदालत में मुलजिम के फरार होने पर वावेला डालती रही और पुलिस से इल्तिजा करती रही कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। ताहम मुलजिम बासानी अहाता अदालत से फरार होने में कामयाब हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने मंडी सैदाबाद के रहायशी मुलजिम जवाद अनवर की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त की। मुतासरा खातून ने अदालत को बताया कि मुलजिम जवाद अनवर ने बेटी महविश को ज्यादती का निशाना बनाया और मुलजिम के खिलाफ थाना मंडी फैजाबाद में मुकदमा भी दर्ज है। ताहम मातहत अदालत जो है वो मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर चुकी है। अदालत से भी यही सजा की गई थी कि अदालत मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज करे। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि उस पर इल्जाम बेबुनियाद ठीक है। जमानत खारिज होते ही मुलजिम ने आता अदालत से दौड़ लगा दी। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर आपका।